हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंबनेल देखकर तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, आज मैं आपको घर पर ही हाइलाइटर बनाने का तरीका बताऊंगी। मार्केट में बहुत महंगे महंगे हाइलाइटर आते हैं। जो भी हाइलाइटर हो 300-400 के ऊपर ऊपर ही आते हैं, मतलब इससे नीचे कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी अच्छा हाइलाइटर ले तो इससे भी ज़्यादा महंगे प्राइस पर आपको मिलेगा। तो आपको मैं घर पर ही बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी घर पर ही हाइलाइटर बनाने का। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए वीडियो खास तौर पे है। उम्मीद करती हूँ कि हाइलाइटर बनाने के लिए जो भी सामान हमें चाहिए होगा वो आप लोगों के पास में अवेलेबल जरूर होगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। फटाफट वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले गाइस, अगर आपके पास में भी कोई भी आई शेडो पैलेट है तो आप वो ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास पुरानी आई शेडो पैलेट है आप वो ले सकते हैं। तो मैं ये वाली आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, देख सकते हैं बहुत ही पुरानी आई शेडो पैलेट है, टूट भी गई हुई है। आधे कलर तो ऐसे ही टूट टूट के गिर गए हैं। तो मैं ये वाली आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। तो मुझे हाइलाइटर में चाहती हूँ कि थोड़ा गोल्डन कलर हो, थोड़ा सा पिंक बीच में इंक्लूड हो, तो मैं वैसा हाइलाइटर बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गोल्डन कलर ले रही हूँ, एंड यहाँ पे हल्का मैं थोड़ा सा ये वाला कलर ले रही हूँ, ये थोड़ा सा पिंक कलर है। आपको वो कलर लेने हैं जो थोड़े शिमरी में आते हैं, थोड़ा शाइन से करते हैं। ग्लिटर आई शेडो नहीं लेने हैं, ना ही ये वाले मैट आई शेडो लेने हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पाउडर वाले आई शेडो हैं, मतलब इसमें शिमर वगैरह इंक्लूड नहीं होता है। हमें हाइलाइटर बनाने थोड़ा शाइनिंग करने के लिए, तो इसको हमें क्या करना है, स्क्रैच कर लेना है। स्क्रैच करके इसका पाउडर निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं ये टूल ले रही हूँ, आईब्रो टूल। इसकी हेल्प से मैं कुछ इस तरीके से स्क्रैच कर रही हूँ। आपको कुछ डायरेक्ट इस तरीके से नहीं निकाल लेना है, पार्टिकल्स रह जाएंगे तो वो हमारे फेस पे विजिबल होंगे। तो इससे हमें कुछ इस तरीके से स्क्रैच कर लेना है। उसके बाद आपको कोई छोटा सा कंटेनर ले लेना है, आप जहाँ जिसमें भी इस हाइलाइटर को बनाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इतनी क्वांटिटी ली है। आपको थोड़ा सा ही हाइलाइटर बनाना बताऊंगी, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लूँगी। आप जितना बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। ये थोड़ा सा पिंक कलर इसमें ऐड कर दिया है। एंड नेक्स्ट इसमें हमें ये एलोवेरा जेल इंक्लूड करनी है। आपको इसमें एलोवेरा जेल ही इंक्लूड करनी है, इसके अलावा ये जो हमारा लिक्विड हाइलाइटर है ये नहीं बनेगा। तो इसमें ज़्यादा हमें क्वांटिटी नहीं डालनी। अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। बॉडी लोशन ले लेना है, यहाँ पे मैं 10 रुपीज़ वाला बॉडी लोशन ले रही हूँ। इसकी आपको थोड़ी सी क्वांटिटी डालनी है इसमें। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं क्वांटिटी मिलाया है इसमें। सो ये हमारा रेडी हो गया लिक्विड हाइलाइटर। अब मैं इसे अपने हैंड पे अप्लाई करके बताऊँगी आपको। सबसे पहले मैं अपने हैंड पे ना यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, ताकि फाउंडेशन के ऊपर में आपको अच्छे से पता चल पाएगा। फिंगर की हेल्प से देख सकते हैं इसका शाइन कितना आ रहा है। इसका शाइन आ रहा है, यहाँ से आपको स्किन पता चल रही है। ये मेरी स्किन का कलर है, एंड ये देखिए ये हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा शाइन कर रहा है। हैंड में भी, इस हैंड में भी आप लोग फर्क देख पा रही है। थोड़ा सा मैंने पिंकिश बनाया, मतलब थोड़ा सा मैंने इसमें पिंक कलर ऐड किया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, गोल्डन कलर का हाइलाइटर बना सकते हैं। ये जो हाइलाइटर है ये मार्केट के हाइलाइटर से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एंड बहुत ही ईजी है, एंड इसमें ज़्यादा आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। घर पर ही आप बहुत आसान तरीके से हाइलाइटर बना सकते हैं। अब इसे मैं अपने फेस पर भी अप्लाई करके आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए इधर उधर का आप लोग डिफरेंस देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप ना बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर हाइलाइटर बना सकते हैं। आपको मार्केट में महंगे महंगे हाइलाइटर लेने की जरूरत भी नहीं है। देखिए नोज पे भी मैंने अप्लाई किया, नोज भी देखिए कितनी मेरी चमक रही है। मैंने भी अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है, मतलब कुछ लग भी नहीं रहा है कि मैंने ज़्यादा करके अप्लाई किया है। ये
हाइलाइटर बनाए तो इसको कुछ कम क्वांटिटी में ही ज्यादा बनाए, ज्यादा बनाकर आप इसको ज्यादातर स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये खराब हो जाएगा। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आप इस हाइलाइटर को अप्लाई कर सकते हैं, इससे जो आपका बेस है वो ग्लोई शाइनिंग सा करेगा और निखार आएगा आपके फेस पे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी एंड हेल्पफुल भी लगेगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो कीप वॉचिंग एंड बाय।